हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। क्लास बारहवीं में जीव विज्ञान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, आज ये सब की मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए, आप लोग का पहला जो यूनिट है वो है आपका रिप्रोडक्शन, जनन पहला यूनिट है, जनन से जो है 14 नंबर पूछते हैं। दूसरा यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से 18 नंबर पूछते हैं। तीसरा यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिससे फिर 14 नंबर पूछते हैं। चौथा यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, जिससे 10 नंबर पूछते हैं। और पांचवा और आखिरी यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिससे 14 नंबर पूछते हैं। टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट से 70 नंबर पूछते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं 70 होते हैं, जो कि आपके थ्योरी में होते हैं, और जो प्रैक्टिकली होते हैं वो आपके 30 मार्क्स के होते हैं। टोटल पेपर 100 नंबर के होते हैं, 100 में से 70 थ्योरी के मिलते हैं और 30 आपके प्रैक्टिकल से स्कूल से मिलते हैं। अब जो आपके 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है। देखिए, यहाँ पे पहला चैप्टर दिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, लाइक ए सेक्चुअल के कितने मेथड होते हैं, वेजिटेटिव के कितने मेथड होते हैं, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आप लोग का जो चैप्टर है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट, इसमें केवल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट के बारे में जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, या मानव में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसमें आप लोग का मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ना होगा। आप लोग का जो चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य, जनन के टाइम पे कौन से डिजीज होते हैं, कौन से ट्रांसमिट डिजीज होते हैं, कौन से ए ट्रांसमिट डिजीज होते हैं, जैसे आप देखो दिया कि सेक्चुअली ट्रांसमिट डिजीज, यही पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का जो दूसरा यूनिट है, पहला यूनिट खत्म हो गया, अब जो दूसरा यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों को मेंडल के बारे में पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे पहला चैप्टर यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम लोग को पढ़ना है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसमें हम लोग को मेंडल के तीनों नियम के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ क्रोमोजोम के बारे में पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, और अदर इनहेरिटेंस जो डिजीज होते हैं लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब डिजीज के बारे में इसे पढ़ना होता है। अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोगों को डीएनए के बारे में पढ़ना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए आरएनए में डिफरेंस, एक्सेट्रा। अगला चैप्टर है इवोल्यूशन, विकास। इवोल्यूशन में हम लोग को पढ़ना है कि इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे हुई, लाइफ का उत्पत्ति कैसे हुआ, एक्सेट्रा। आप लोग का तीसरा यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। अब इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जितने सूक्ष्म जीव होते हैं उनका हमारे लाइफ में क्या योगदान होता है, वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं कि हार्मफुल होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये दोनों, ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। देखिए, इसमें पहला चैप्टर दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देखो इसमें दिया कि पैथोजन, पारासाइट, उसमें कुछ डिजीज के नाम भी दिया है, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, टाइफाइड, एचआईवी, इसे कैंसर, एक्सेट्रा, तो इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगला आप लोग का जो चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उसको कट करके बाहर निकाल लें, अब उस टिश्यू से हम लोग एक नए प्लांट का फॉर्म करें, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। अगला चैप्टर है माइक्रोबेव इन ह्यूमन वेलफेयर, अब देखो बोला है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अभी मैंने बताया था कि इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ना है कि जितने सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं कि हानिकारक होते हैं, और इसमें हम लोग को वैसे जीव के बारे में पढ़ना है जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट, बायो कंट्रोल, एंटीबॉडीज, बायो फर्टिलाइजर, एक्सेट्रा। अगला आप लोग का जो चौथा यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में या तो फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के बारे में। देखिए, यहाँ पे पहला आपका टॉपिक दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अगला चैप्टर है
बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। अब देखो बोला कि बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं ह्यूमन इंसुलिन में, वैक्सीन बनाने में एंड ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। आप लोग का आखिरी यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से जो कि 14 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आप लोग का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हम लोग को जीवों के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दिया है कि पॉपुलेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, प्रीडेशन क्या होता है, म्यूटालिज्म क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आप लोग का अगला चैप्टर है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोसिस्टम से दो क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग का अगला चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन, देखो बोला कि जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि जो जैव विविधता होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होता है, इसको हम लोग कैसे कंजर्व करें, यानी कैसे सुरक्षित करें। जो आए दिन जंगल की कटाई कर रहे हैं तो जंगल की कटाई को रोकें और जो एनिमल है उस एनिमल को हम लोग कंजर्व करें, सुरक्षित करें। आप लोग का आखिरी चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू, यानी कि पर्यावरण के मुद्दे। अब देखो जो आखिरी चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू पर्यावरण के मुद्दे इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन डिप्लेशन, ये सब के बारे में पढ़ना है। यानी कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, इसके सोर्स क्या है, इसके कंट्रोल क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स आप लोग जान गए कि आप लोगों का जो 5 यूनिट है, यानी कि जो 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट के अंतर्गत आप लोग के टोटल 16 चैप्टर दिए गए हैं। तो 5 यूनिट में 16 चैप्टर है, इन 16 चैप्टर से आप लोग को 70 नंबर लाना है और बचा जो 30 नंबर, वो 30 नंबर आपको आपके कॉलेज की तरफ से, यानी कि आपके स्कूल की तरफ से मिलेगा, जिसको हम लोग इंटरनल मार्क्स कहते हैं। तो दोस्त आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।